मुस्कान मिल गया तो थोड़ी सपोर्ट मिल गई मानविंदर बट वी कॉल हिम मुस्कान। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज मैं नई वीडियो बना रहा हूँ और काइंड ऑफ व्लॉग होगा थोड़ा आपको एंटरटेन करने के लिए। और अभी दिन के 12:20 हो गए हैं और मुझे जिम जाना है। सुबह से मैंने कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ काम नहीं करा, ना कुछ ज़्यादा खाया है। आई जस्ट हैड 4 बनाना जो मेरे लिए इनफ नहीं है, बार बार भूख लग रही है। और अभी मैं जिम जाने वाला हूँ। ये नहीं पता मैं क्या ट्रेन करूँगा बट लेग्स उसमें इंक्लूडेड होंगे बट कंप्लीट लेग सेशन नहीं होगा, कुछ एडिशनल हो सकता है। हम जिम जाके देखते हैं। और आप बताइए आपको लास्ट वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जाके बताइए। बिकॉज एज अ क्रिएटर मेरे को बहुत अच्छा लगा ऐसे वीडियो बनाकर, क्योंकि मैं थोड़े दिन बाद बाहर निकला था एंड इट वेंट रियली वेल। और आप लोगों को पसंद आया, मेरे फ्रेंड्स को भी पसंद आया। सो आई विल कंटिन्यू मेकिंग वीडियोज़ लाइक दिस और इन्फॉर्मेटिव भी होगी। सो आप सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। वर्कआउट इज़ डन एंड थोड़ा अलग वर्कआउट सेशन था आज का। मेनली मेरा फोकस था आज सारा कंपाउंड लिफ्ट करने का जो भी होते हैं, बट मानविंदर मिल गया था वहाँ पे। तो फर्स्ट वी स्टार्टेड विद डेड लिफ्ट एंड मेरा मैक्सिमम मतलब पीआर है मेरा 145 kg टुडे सुमो डेड लिफ्ट में और 115 kg इन स्क्वाट्स। बहुत सही लगा बट थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा माइंड मसल कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। और हाँ सो अभी हम मुस्कान के घर पे आए हैं, मानविंदर के घर पे आए हैं, ठीक है। ओके बेसमेंट बैठे एंड सी मिले आप हमारी ईवा से। ईवा देख कौन है भाई साहब, पूरे स्लीप वाले मूड में। और कौन है? अभी मैं आया था तो मेरे पूरे लैप पे चढ़ गई एंड आई वॉज लाइक भाई फट रही थी मेरी कि काटना ले, बट फिर मैंने इससे हेलो करा इसने और तब से फ्रेंड बन गई। फ्रेंड है अब भाई, आराम से लेटी हुई है और मैं भी कंफर्टेबल हूँ। कोई परफेक्ट मील नहीं खाई है ना मैंने ना मानविंदर ने, सो भी कुछ खाएंगे अच्छा था, फिर आपसे मिलते हैं, बाय बाय। ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं एंड अभी घर आया हूँ मैं। ऑलमोस्ट 2 या 2.5 घंटे से हम जिम में थे। बहुत अच्छा सेशन था अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेंथ गेनिंग, ठीक है। और अभी आई पुश्ड माई सेल्फ सो हार्ड बिकॉज मेरे को कॉल आ गया था डिलीवरी पर्सन का दैट माई प्रोटीन आ गया है। 2 दिन से ख़त्म हो गया था सो मैं इतना अच्छा फील नहीं कर रहा था,
मतलब वो आदत हो जाती है ना यार प्रोटीन की लेने की। सो अब मैं जल्दी से कुछ बनाना शेक बनाऊंगा, बिकॉज ओट्स तो भी टाइम भी नहीं है एंड ओट्स ख़त्म भी हो रखे हैं। सो वो पहले लाऊंगा बनाऊंगा, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। सो आई विल जस्ट मेक बनाना शेक विद दिस प्रोटीन एंड विल मीट यू आफ्टर दैट मील। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं एंड यू आर सीइंग मी हैविंग दिस प्रोटीन, कोई मैंडेटरी नहीं है, आई कैन अफोर्ड दिस टाइम पे तो मैं ले रहा हूँ। और अगर मेरे से कोई छोटा है या फिर मेरे से बड़ा भी है, कोई अपने पेरेंट्स को ज़्यादा फोर्स मत करना इफ़ यू आर नॉट अर्निंग, इफ़ क्योंकि फूड से भी कर सकते हो। आई एम एक्चुअली डूइंग अ जॉब, सो उधर बहुत एक्टिव हो जाता है टू मैनेज ऑल द मील्स। 5-6 मील्स मैं खाता हूँ गेनिंग के टाइम पे, तो इतना प्रोटीन नहीं इनका डाल पाता मैं बॉडी में। सो आई गो फॉर दिस, आपको अगर है तो ले लो, बिकॉज व्हेन आई वाज इन कॉलेज स्टार्टिंग के 2 साल तो मैंने कुछ प्रोटीन नहीं लिया। एक लिया था, इट इज़ अराउंड 5000 एंड इट वाज लाइक आई डोंट थिंक इट इफ दैट वाज रियल। मेरे को बहुत पिंपल वगैरह हो गए थे, तो मैंने वो उसके बाद कभी नहीं लिया। उसके बाद मैंने 4th ईयर में आई वाज गोइंग फॉर होम ट्यूशन, मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था एंड जो मेरे को 4000 रुपीज़ मिलते थे मैं उसको प्रोटीन लेता था। सो इफ़ यू वॉन्ट इट देन वर्क फॉर इट। आज के लिए इतना ज्ञान बहुत था आपके लिए और मेरे लिए भी। सो अब इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं एंड हैव माई मील, फर्स्ट मील, प्रॉपर मील। It's what I've been looking for. When you say my name, I just wanna feel you. तो यही हम 4-5 लोग खेलने आए हैं एंड खेल तो कम रहे हैं साला, यहाँ पे बॉल ढूंढ रहे हैं बार 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 बार, पेड़ों में जा रही है एंड हमारा तो भाई मूड खराब हो रहा है इधर ऊपर का। और मेरी बैटिंग अभी तक नहीं आई है। फाइनली बॉल मिल गई हमारी। ओहो या अरे मेरे में साइकिल चढ़ गई, तेरी बॉल तो झेल सके। ओ यार एक तो भाई।